हेलो बच्चों वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ फोर्टी प्लस एकेडमी मैं विवेक पांडे आज नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर डिप्लोमा में पहुंच चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे बच्चों जो चैप्टर जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन ये हमारा सब्जेक्ट है बच्चों ये सब्जेक्ट सेमेस्टर फाइव एम एस बी टी मैकेनिकल डिप्लोमा ब्रांच में है मैकेनिकल ब्रांच अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कैसे इसको करेंगे अच्छे से ये पूरा डिस्कशन मैं करूँगा सिलेबस क्या है इसके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है एक एक चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे क्योंकि एक चीज़ याद रखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए बस यही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस लेक्चर में तो अगर आप इस सब्जेक्ट पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन के सिलेबस कंटेंट को अच्छे से समझ लोगे तो फिर जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें मैं एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ये जो ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है किसका पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट का जो सेमिस्टर फाइव मतलब फाइनल ईयर डिप्लोमा में मैकेनिकल ब्रांच को है अंडरस्टूड सो so, अब स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट वाइज करेंगे सब यहाँ पे कोई इशू नहीं वी विल डू ईच एंड एवरी थिंग पॉइंट वाइज लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट थोड़ा सा सो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ठीक है अब देखते हैं यहां पे जो पहला चैप्टर जो हमको सीखना है बच्चों इसमें इसको अच्छे से समझ लो इंटरनल कम्बशन इंजन यूनिट वन यूनिट वन हमारा क्या है यूनिट वन इंटरनल कंबक्शन इंजन ये तो मैकेनिकल इंजीनियर्स की जान है कंबस्शन इंजिन इंजन्स के बारे में पढ़ना है और कौन से इंजन्स के बारे में जिसमें अंदर कम्बस्शन होता है मतलब अब इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप ये जरा समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट आप पढ़ने वाले हो फोर स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक इंजन ये सब आपको नोटबुक में लिखना है अच्छे से फोर स्ट्रोक इंजन फिर आप यहाँ पे ये इंजन कैसे साइकिल पे काम करता है ये पता होना चाहिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो कैरनॉट साइकिल है याद रखना है आपको कैरनॉट साइकिल आपको करना है बच्चों ऑटो साइकिल पढ़ना है डीजल साइकिल करना है डीजल साइकिल और डुवेल साइकिल करना है डुल साइकिल और मैं आपको सिखाऊंगा ये जो आईसी इसको इंटरनल कम्बसन इंजन को शॉर्ट में हम बोलते हैं आईसी सी इंजन्स तो इस आईसी सी इंजन्स में बेसिक्स हम करेंगे क्या करेंगे बच्चों बेसिक्स सो वी आर गोइंग टू डू बेसिक्स ऑफ इंटरनल कम्बस्शन इंजन ठीक है ज़रा एक बार वापस समझ लो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एम पी एफ आई करेंगे एम पी एफ आई ये हम लोग करने वाले हैं सिस्टम से ये जिसपे इंजन वगैरह काम करता है उसके बाद हम लोग टर्बो चार्जर पढ़ने वाले हैं टर्बो चार्जर ये सब चीजें अच्छे से एकदम डिटेल में हम लोग करेंगे एम का लेआउट क्या है ये भी करेंगे लेआउट तो ये सब आपको अभी पता नहीं होगा लेकिन जब आप पूरे लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखोगे अच्छे से समझोगे तो ये हम लोग अच्छे से आपको पूरा ए टू जेड पूरा डिटेल्स आपको समझ जाएगा तो ये आपका यूनिट नंबर वन है अब इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखो बी एस सिक्स का मॉडल आया है अभी आप जानते हो बी एस सिक्स गाड़ियों में अप्लाई हो गया तो अप्लाइंग हाउ एक्चुअली बी एस सिक्स क्या है ये सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें सो तो ये इसमें मतलब एमीशंस के चेंजेस हैं तो ये अमिशंस क्या क्या आते हैं बी एस सिक्स में ये सब हम लोग डिस्कशन करने वाले तो ज़रा एक मिनट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है यूनिट वन सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है यूनिट वन में हम लोग सीखने वाले हैं इंटरनल कम्बसन इंजन को अपने सीखेंगे वॉट वी वी आर गोइंग टू लर्न इन यूनिट वन इंटरनल कम्बस्शन इंजन दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव टू डू एंड वी विल कम्प्लीट इट परफेक्टली सो पूरा स्टे करना है आपको पूरे एंड कोर्स में तब आप जाके पूरे अच्छे से समझोगे अब हम जाते हैं देखो इंजन काम कैसे करता है उसके बाद हमें जो अगले टॉपिक पर आना पड़ता है बच्चों हमारा टॉपिक होता है एक मिनट में फिर आगे लिखता हूं इसको हमारा जो अगला टॉपिक होता है दैट इज चैप्टर नंबर टू यूनिट टू यूनिट टू में जाएंगे हम लोग और जो यूनिट टू आएगा बच्चों यूनिट टू होगा टेस्टिंग ऑफ आईसी सी एंड इमिशन कंट्रोल टेस्टिंग टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन्स एंड इमिशन कंट्रोल एंड इमिशन कंट्रोल्स ये हमारा यूनिट टू है तो टोटल मैं अभी आपको बता देता हूं फिलहाल के लिए टोटल फाइव देयर इसमें यूनिट टू है टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन एंड इमिशन कंट्रोल अब इसमें टेस्टिंग में हम लोग सीखने वाले हैं मोर्स टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो बहुत बार आता है एग्जाम में मोर्स टेस्ट हम लोग इंजन की टेस्टिंग करेंगे मोर्स टेस्ट के थ्रू और फिर हम लोग इमिशंस देखेंगे एग्जॉस्ट गैसे गैसेस देखेंगे एग्जॉस्ट गैसेस वी विल स्टडी अबाउट एग्जॉस्ट गैसेस की इमिशंस क्या है अब यही एग्जॉस्ट गैसेस यही मॉडल था हमारा बी एस फोर था उसके बाद बी एस सिक्स आया तो ये क्या चेंजेस है एग्जॉस्ट गैसेस में इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे बी एस फोर और बी एस सिक्स के मॉडल पे और एम पी एफ आई वगैरह भी वापस देख लेंगे थोड़ा रिवीजन करा दूंगा यहाँ पे तो कोई इशू नहीं होगा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे और सीखने वाले हैं जिसको हम लोग बोलेंगे इंजन कंट्रोल यूनिट ये सब लिखना है आपको नोटबुक में फ्रंट पेज में ताकि आपको पता रहे कि आपको ये कोर्स में क्या करना है इंजन कंट्रोल यूनिट तो ये जो पहला लेक्चर है ना ये इंट्रोडक्शन इसमें सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि कंटेंट क्या है अंदर बाकी कुछ इसमें नया नहीं है आपके मतलब कुछ ऐसा डिफ है नहीं डिफ़िकल्ट ओके okay, फिर हम मैं यूनिट थ्री के बारे में जरा डिस्कशन कर लेता हूँ बच्चों यूनिट थ्री आपका आएगा एयर कॉम्प्रेसर अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट यूनिट थ्री इज एयर कॉम्प्रेसर्स एयर कॉम्प्रेसर्स ये हमारा यूनिट थ्री है इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा एयर कॉम्प्रेसर में कॉम्प्रेसर की वर्किंग ये कॉम्प्रेसर क्या होता है वर्किंग ऑफ कॉम्प्रेसर what वी आर गोइंग to सी इन दिस वर्किंग ऑफ compressors वी आर गोइंग to सी ये आपको लिख लेना है वहाँ पर नोटबुक में वर्किंग ऑफ कॉम्प्रेसर देखेंगे हम लोग एफिशिएंसी देखेंगे सब कुछ यहाँ पे अच्छे से देखेंगे पीवी डायग्राम्स देखेंगे ओके रेसिप्रोकेटिंग प्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रेसी कॉम्प्रेसर रेसी प्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर ये पढ़ना है यहाँ से टाइप ऑफ कॉम्प्रेसर में अब आगे जाते हैं यूनिट फोर और यूनिट फाइव दो दो यूनिट और बच गया हमारा जो यूनिट फोर है यूनिट फोर भी बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल के लिए सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गैस टर्बाइन एंड जेट गैस टर्बाइन एंड जेट जेट के बारे में आपने थोड़ा टॉम में भी पढ़ा था लेकिन ये थोड़ा अलग है प्रोपोल्शन प्रोपल्शन जेट प्रोपोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर यहाँ पे कुछ है तो गैस टर्बाइन और गैस टर्बाइन यहाँ पे जरा देख लो गैस टर्बाइन में क्या क्या टॉपिक आता है ओपन साइकिल क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए उसके बाद आएगा ब्रेटन साइकिल वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो यहाँ पर लिख लो ये इंपॉर्टेंट है कौन सा ब्रेटन साइकिल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ओके फिर हम लोग जाएंगे टर्बोजेट पे यहाँ से जेट वाले पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे टर्बोजेट टर्बोजेट के बाद हमारे पास जो भी आएगा लिक्विड एंड सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम्स देखेंगे लिक्विड एंड सॉलिड सिस्टम्स देखेंगे क्या होता है बहुत छोटा सा टॉपिक है लिक्विड एंड सॉलिड सिस्टम तो ये हमारा यूनिट फोर हो जाएगा अब हम लोग थोड़ा यूनिट फाइव पर डिस्कशन करते हैं यूनिट ये लास्ट यूनिट है यूनिट फाइव और बच्चों जो यूनिट फाइव है दैट इज नथिंग बट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग ये कूलिंग सिस्टम के बारे में बताएगा क्योंकि आप देखते हो कार वगैरह में अपना ए वगैरह रहता है और रेफ्रिजरेटर वगैरह आप जानते ही हो सब कुछ तो ये बहुत बड़ा यूनिट है यूनिट नंबर फाइव इज द बिगेस्ट यूनिट तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको पढ़ना है यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ पढ़ना है वो वी सी एस क्या पढ़ना है वी सी एस और वी सी एस मतलब होता है वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वे पर कॉम्प्रेशन साइकिल आपको करना है यहाँ पे वी आर एस भी होता है वे वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा ये रेफ्रिजरेशन क्या होता है बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन फिर अच्छा आप ये जानते हो कि ए सी वगैरह एक टन का ए सी होता है डेढ़ टन का ए सी होता है दो दो टन का ए सी होता है तीन टन का ए सी होता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टनस क्या होता है ये जो आप ट्स बोलते हो ना ए सी में उसका मतलब क्या होता है तो वो सब के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे और से बहुत इम्पोर्टेंट कोई अगर चीज़ पढ़नी तो यहां है तो यहाँ पे साइकोमेट्री है साइको साइकोमेट्री ये एक टॉपिक भी हमको यहाँ पे करना है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वी है और ये बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन थोड़ा बड़ा रहेगा ये लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है स्प्लिट एयर कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे सेंट्रल एयर कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे विंडो एयर कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जो ए है यहाँ पे आप जानते हो विंडो ए होता है विंडो एयर कंडीशन होता है फिर आपके पास स्प्लिट एयर कंडीशन होता है और उसके बाद आप देखोगे तो सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन भी होता है तो ये तीन चीजों के बारे में आप काफी ध्यान से याद रखो ये इतने सारे तो ये मैंने आज जो डिस्कशन किया है बच्चों ये कंटेंट ये पांच चैप्टर्स हैं ये पाँच यूनिट है जो आपको काफ़ी अच्छे से करने हैं और ये याद रखना सेमिस्टर डिप्लोमा का सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट का नाम है और रेफ्रिजरेशन यहाँ पे है और इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन सेमिस्टर फाइव एम डिप्लोमा में है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद जो अपना अगला होगा यहाँ पर हम लोग फर्स्ट चैप्टर को काफ़ी अच्छे से करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा बच्चों क्योंकि वहाँ पे हम लोग इंटरनल कम्बशन इंजन अपना स्टार्ट कर देंगे सो गाइस थैंक यू वेरी मच देख लीजिए नया कोर्स लॉन्च हुआ है इस कोर्स को अच्छे से करो आप लोग हमारे साथ फोर्टी प्लस अकेडमी के साथ ताकि फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा हो क्योंकि आप जानते हो फाइनल ईयर डिप्लोमा से जो भी परसेंटेज आपका रहेगा सेमेस्टर फाइव सेमेस्टर सिक्स का मिला के वहाँ पर आप क्या करोगे आपको डिग्री में एडमिशन मिलता है तो डिग्री के एडमिशन के लिए अगर आपको अच्छे परसेंटेज रहेंगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा ताकि आपको प्लेसमेंट में थोड़ा आसानी हो सो गाइज दिस इज़ आवर न्यू कोर्स बेस्ड ऑन पावर इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन जरा देख लो पाँचों यूनिट में क्या है इसको लिख लो फिर जब लेक्चर वन होगा तो अच्छे से पी, -पी बना के एकदम सब अच्छे से अच्छे से लिख के क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व करूंगा तो काफ़ी अच्छे से आपका काम हो जाएगा थैंक यू सो मच वी विल मीट वन अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विथ चैप्टर नंबर वन दैट इज नूनिट नंबर वन इंटरनल कम्बक्शन इंजन एंड वी विल स्टार्ट विद फोर स्ट्रोक इंजिन ओके गाइज थैंक यू सो मच